गुरूर के ग्राम कनेरी में श्री ब्रेकर गणेश उत्सव समिति और ग्रामीणों के सहयोग से 3 दिवसीय भव्य संगीत में मानस प्रतियोगिता का कार्यक्रम शनिवार को शुरू हुआ है, जिसमें प्रदेश सरपंच संघ के संयोजक को मुख्य अतिथि बनाया गया है। मंच को संबोधित करते हुए प्रदेश सरपंच संघ रायपुर के संयोजक लेखक चतुर्वेदी भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध के बारे में बताया गया। राम के द्वारा रावण के शरीर सूचना लंका में जब जाते कि रावण लंकापति लंकेश्वर प्रजापत मने प्रतापी राजा मारेंगे तो सूचना मिलते मंदोदरी राजा। मंदोदरी कौन है? वो रावण के पत्नी। बोला सूचना मिलते मंदोदरी ला कि लंकेश्वर मारा गया। तब मंदोदरी चिंतन करते 2 मिनट के कि ओला मारने वाला कौन है। अखिल बड़ राजा ने जो दुनिया जीती तेरा कौन मार सकता। ऐसे चिंता करी चिंतन करी बहुत बढ़िया बात बता आपका तो चिंतन करी तो कहा सोची मैं देखना चाहता हूं कौन मारी मोर पति ला जो दुनिया जीतने वाला है कौन मारी देखना चाहता हूं। कहीं युद्ध के मैदान में जी हाँ रावण के 100 पड़े से वहां जाते तो राम कुंडा में पथराम बैठे रहते चिंतन कर रहे। तो जब मंदोदरी जाते अपन पति के लंगेश्वर के 100 ल देखे पर तो दूर से राम भगवान देख डालते कोई माता आती और वो खड़े हो जाते दोनों हाथ जोड़ के। और जब मंदोदरी देखे पर जाते कौन मारी सूर पति लोग नजदीक में तो खड़े होकर कहते राम भगवान आप प्रणाम माते को। मंदोदरी समझ जाते एक वो रावण जो पर नारी लला के है रत्न मोर जैसे सती के राहत थे और एक राजा रामचंद्र है जो मोरा परछाई लेके के खड़े होकर प्रणाम करे थे वो शक्ति रावण लमारी सैकड़ों पाषाणों की तरह तू एक पाषाण होता गर्म मय न होती भावना तो तू कहां भगवान होता। तो मारने वाला कौन शक्ति है यत्र नारिस्त पुजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये घर में नारी की पूजा होते ये गांव में नारी की पूजा होते जो देश में नारी की पूजा होते वहां समस्त देवतागण वास करते। मैंने नारी के जो मर्यादा है हमारे राम के अभी हमारे भाई बता से गंधर्व जी है बोला पूछे ये कुंभकर्ण में जब जाते रावण है युद्ध को खोद रहे किन सामाजिक तत्वों के द्वारा हमको निपटारा करना है। योग यज्ञ जो है 4 प्रकार का होता है ऐसा कहा गया है। द्रव्य योग जिसमें द्रव्य के द्वारा धन के आहुति के द्वारा यज्ञ को संपन्न किया जाता है। दूसरा योग उन्होंने कहा है तपोयोग जिसमें अपने शरीर को कष्ट देकर किसी उद्देश्य को पूर्ति किया जाता है। फिर योग यज्ञ की बात करता है जिसमें अपने बुद्धि का योग और तमाम प्रकार की और भी समन्वय है उसका योग करके हम उस यज्ञ को संपन्न करते हैं। और अंतिम में उन्होंने जो कहा है उसका नाम है ज्ञान यज्ञ और ये 4 यज्ञ जो है इस मंच पर दिखाई दे रहा है। ऐसे आदर्शशील स्थान हम सबके लिए आदरणीय हैं। हम सब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ की तरफ से इस मंच को इस यज्ञ भूमि को इस संत समाज को सादर प्रणाम करते हैं और सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को हमारे कि आप जब बरसते हो तो सभी को भर देते हो नदी नाले सब को भर देते हो केवल मुझको नहीं भरते ऐसा क्यों। बांधव ने कहा हम जब बरसते हैं तो अपना बराया किसी को नहीं समझते हम सबके लिए बरसते हैं। लेकिन मट्टा ने कहा नहीं मुझे नहीं भरते हो। तब बांधव ने कहा जाओ पता करो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये मटका नहीं भर पाता। तो बालू ने पता किया मटका हम सभी जानते हैं ना मटका जो हमेशा उल्टा रहता है। तो बालू ने देखा कि मटका का मुंह तो हमेशा उल्टा है हमेशा उल्टा पड़ा रहता है तो कैसे भरेगा। तो ऐसे ही जब हम कथा श्रवण करने पंडाल में आते हैं हमारे कथा वास्तु के द्वारा जो कथा बताए जाते हैं उस श्रवण करते समय हमें अपने मन लगाकर अपने दोनों
कान को खोल कर बैठना चाहिए और हृदय में ग्रहण करना चाहिए। अभी हमारे गांव में बलराम मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार प्रणाम। बोलो लखन से रामचंद्र की। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।